हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे एक नए वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पर्यावरण का। जो बीए बीएससी एंड बीकॉम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर, है ना, इन तीनों ईयर में तो कभी न कभी एक बार तो हमें पर्यावरण का जो एग्जाम है उसे दिलाना तो पड़ता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में दिला लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप 2 साल फ्री रहने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो यार, यूट्यूब पे आपका तो बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा जिसमें तो कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिसमें बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, थंबनेल में भी कुछ और लिखा रहता है, वीडियो को क्लिक करने के बाद, वीडियो को देखने के बाद, टाइम बर्बाद करने के बाद कुछ और ही पता चलता है। यार ऐसे वीडियो पे क्लिक आप कर लेते हो, लेकिन आप अगर आप मेरे इस वीडियो पे आए तो यार बिल्कुल आप राइट जगह पे आए हो। देन मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। यार पढ़ाई लिखाई के मामले में सही चीज सुनो, चूतिया मत बनो मेरे भाई। तो चीज आप सभी को बताने वाला हूँ, बिल्कुल रियल बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है आप सभी के लिए। मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है दोस्तों, यहाँ पे बगल में मैं ओपन भी कर दिया है ना, आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ से आपको नहीं देखना। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने में मैं थोड़ा सा अपना नाम बता दूँ, मेरा नाम है तोषण कुमार साहू और आप देख रहे हैं आरआर ऑनलाइन। सो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए गाइस, बिना कुछ देरी के वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना पीडीएफ ओपन कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एनुअल एग्जामिनेशन पर्यावरण का है ना, बीए पार्ट 1, 2 और 3, मतलब तीनों ईयर का है ना। यहाँ पे लिखा है इन्वायरमेंटल है ना स्टडीज एंड ह्यूमन राइट्स, ये जो क्या है पर्यावरण का आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी लिखा है 2022 का, यानी कि जस्ट पिछले ईयर का ही है ना। यहाँ पे प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते पूरे 100 नंबर का जो प्रश्न है वो तो आता है, वो तो पूरा मैं बताऊंगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई पढ़ाई लिखाई के मामले में नौचूती, आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियो आपको मिलने वाले हैं। अभी तो मैं सिर्फ पर्यावरण का ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद में जितने भी सब्जेक्ट हैं बीए बीएससी एंड बीकॉम में पूरे का पूरा 2022 का पेपर आने वाला है। अगर किसी भी सब्जेक्ट के हो आप यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रख लो, बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक कर लो। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एनुअल एग्जामिनेशन 2022 है ना, बीए पार्ट 1, 2 और 3 है ना। यहाँ पे लिखा है इनरोलमेंट स्टडीज ह्यूमन एंड राइट्स। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ टिप वगैरह दिया है, यहाँ पे आप तो देख, आपको तो अब यकीन हो ही गया होगा कि ये तो जो है 2022 का पिछले ईयर का ही है, जिसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके रख लिया है एंड आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जो पहला प्रश्न जो आता है, क्या है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के नाम बताइए। जो पहला प्रश्न जो है इसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के से आप क्या समझते हैं उसको समझाना है, और किन्हीं 2 वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के नाम आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद में हम नीचे चलते हैं, या फिर कुछ अथवा करके भी दिया गया है, यहाँ पे लिखा है खनिज संसाधन को समझाइए, ये आपको क्या करना है लिखना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे लिखना है आपको बाढ़ नियंत्रण के 3 उपाय, बाढ़ को कैसे नियंत्रण करना है उसके 3 उपाय आपको क्या करना है यहाँ पे बताना है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे खाद्य श्रृंखला का वर्णन करना है, या फिर दोनों में से आपको क्या करना है, इन दोनों में से क्या करना है आपको एक को बनाना है यहाँ दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आ जाता है, जैव विविधता के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखो जैव विविधता क्या है, तो आप फिर से आप 9वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, 9वीं 10वीं पढ़े होंगे ना विज्ञान में, तो यहाँ पे क्या करना है, जैव विविधता मतलब जीवों में जो विविधता पाया जाता है ना, उसके महत्व पर प्रकाश डालना है। नीचे में आ जाता है अथवा करके मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में त्रुटियों को बताइए। थोड़ा हार्ड है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, देन अगर ये अथवा में दिया गया है, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, बट आपको तैयारी सभी चीज़ों का कर लेना है। प्रश्न चौथा में पूछ रहा है प्रदूषण नियंत्रण में किसी नागरिक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। प्रदूषण नियंत्रण में किसी नागरिक की भूमिका पर, देखो यार कोई पर्यावरण अगर प्रदूषित हो रहा है तो उसमें कोई नागरिक अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो, तो उसमें उसकी नागरिक की जो भूमिका है उसको भी क्या करना अच्छे से समझाना है उसको। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे भूस्खलन
ये अक्सर पूछा जाता है, भूस्खलन को समझाइए। इसको कई प्रकार से पूछा जाता है, भूस्खलन क्या है, भूस्खलन के कारक क्या है, भूस्खलन किस वजह से आते हैं, है ना, क्या क्या निम्न इसका कारण है, व्याख्या कीजिए, इसे दुनिया भर के मतलब क्या करते हैं, पूछे जाते हैं एनुअल एग्जाम में। तो यहाँ पे शॉर्ट से पूछा जाता है, मतलब एकदम शॉर्ट तरीके से यहाँ पे पूछा गया है भूस्खलन को समझाइए। लेकिन समझाने का मतलब ये नहीं कि आपको दो लाइन में लिख देना है, थोड़ा अच्छे से लिखना है विस्तार पूर्वक, ताकि जो सर है उसको क्या है, जांचने वाले को, जांचकर्ता को समझ में आ जाए, आपको अच्छे से अच्छा नंबर दे दे। उसके बाद में आता है प्रश्न पाँचवा, मृदा प्रदूषण के 3 मुख्य स्रोत लिखिए। ये बहुत सरल है भाई, पर्यावरण का जो प्रश्न है ना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मैं तो बिना पढ़े बना दूँगी, है ना। यहाँ पे आता है मृदा प्रदूषण के 3 मुख्य स्रोत। अब देखो मृदा प्रदूषण क्या है, मिट्टी जो प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी का जो प्रदूषण होना आज के डेट पे बहुत ही क्या हो गया है, एकदम कंपल्सरी, मतलब थोड़े थोड़े चीज़ों पे क्या होता है, मिट्टी प्रदूषित हो रहा है। तो उसके 3 मुख्य स्रोत लिखे यार, कोई भी 3 स्रोत लिख देना है, वहाँ पे क्या करना है, 3 टॉपिक डाल देना उसको अच्छे से, दो दो चार चार लाइन में क्या कर देना, आपको समझा देना। ये हो गया उसका 5वां का आंसर। उसके बाद में हम नीचे चलते हैं, नीचे में क्या लिखा है यहाँ पे, IUCN को विस्तार से लिखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको क्या करना है बताना है। उसके बाद में इसका एक एक IUCN इसको विस्तार से एक एक वर्ड को क्या करना है आपको बताना है, फुल फॉर्म लिखना है यहाँ पे। नीचे आ जाता है ओजोन परत क्षरण को समझाइए। अब ओजोन परत क्या है, पर्यावरण के ऊपर देखो क्या करते हैं हमारे, जब जितने भी ऊपर जाते जाएंगे आकाश के ऊपर, है ना, बादल के ऊपर हम चलते जाएंगे तो क्या आता जाएगा, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, ओजोन परत, ये सब दुनिया भर के नहीं आता है, तो इसी में आता है ओजोन परत, इसका क्षरण कैसे हो रहा है। अब देखो हमारा जो कारखानों द्वारा जो धुआं निकलता है, विषैले धुएं, इससे क्या करना है, क्या होता है, ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। और दूसरा क्या होता है, जो अम्ल वर्षा हो गया, इन सब चीज़ों से क्या होता है, धीरे धीरे ओजोन परत में छेद होने लगता है, और ओजोन परत के कारण पृथ्वी पर कई प्रकार से अम्लीय वर्षा जो होना होता है ना, ये सब चीज़ों का होना आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा इजीली हो गया है ना दोस्तों। तो यहाँ पे ओजोन परत के क्षरण को आपको क्या करना है, अच्छे से समझाना है, मैं यहाँ पे बिना पढ़े बता रहा हूँ, बट इतना कुछ बता दिया आपके लिए बहुत है। यहाँ पे उसी का अथवा दिया गया है जल प्रदूषण के 3 मुख्य कारण बताइए। देखो जल कैसे प्रदूषित हो रहा है, हमारा जो जल है वो कैसे प्रदूषित हो रहा है, नदी नाला तालाब, अब किसी कहीं का भी पानी जो हो, है ना, कैसा प्रदूषित हो रहा है, उसके बारे में क्या करना है, 3 मुख्य कारण इसमें आपको क्या करना है बता देना है। 7वां नंबर पे आता है मानव अधिकारों की विवेचना। देखो यहाँ पे फिर एक अधिकार यहाँ पे पूछ रहा है, अगर अधिकार वाला जो हमारा जो पार्ट है ना, इसको हमको क्या करना है, अच्छे से रटना है। उसके बाद में और करके दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकारों की सुरक्षा पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे क्या करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकारों की सुरक्षा पर प्रकाश डालना है। अब देखो भाई, प्रकाश डालने का मतलब ये नहीं कि चित्र बना के डाल दिया है ना, लगा मेरा मजाक यहाँ पे ऐसा प्रकाश नहीं चलता, पेपर में ऐसा प्रकाश बिल्कुल भी नहीं चलता। 8वें नंबर पे क्या आ जाता है, बांध के कारण उत्पन्न 4 समस्याएं लिखे। देखो यार, इतना सरल ये पर्यावरण का जो प्रश्न है, ये तो बिना पढ़े भी बना सकते हो, क्योंकि अभी पहली से 5वीं तक तो आप पर्यावरण ही पढ़े होंगे ना, तो इतना तो आपको नॉलेज हो गया यार, फिर कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज लेवल में आप आ चुके हैं, तो इतना तो बिना पढ़े भी बना सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, बांध के कारण उत्पन्न 4 समस्याएं लिखना है। उसके बाद में आ जाता है पर्यावरण संरक्षण के संबंध में बनाए गए कानूनों की व्याख्या अथवा में दिया गया है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आपको लिख लेना है। उसके बाद में जो सेक्शन यहाँ पे बी आ जाता है, सेक्शन बी, इसमें क्या करना है, आपको निम्नलिखित निबंधनात्मक प्रश्न के उत्तर दीजिए देना है, मतलब यहाँ पे नीचे चलते हैं। प्रश्न पहला क्या कह रहा है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है, हमारे प्रकृति द्वारा जो हमें संसाधन मिला हुआ है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, है ना। तो इसमें क्या करना है, भारत के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको वेट कर सकता हूँ 2 सेकेंड, ज़्यादा नहीं। उसके बाद में यहाँ पे फिर पूछ रहा है, जल संसाधनों के अति उपयोग के कारण पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे देखो फिर से पूछ रहा है, जल संसाधन से मतलब जल संसाधन के जो अति उपयोग हैं, यहाँ पे हम जो करते हैं ना, नहाने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं, इधर नल चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा नंबर का जो प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा नंबर का प्रश्न जो कह रहा है, भारत एक
बहुजैव विविधता वाला देश है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब ये इस कथन का आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। और करके दिया गया है, और में क्या दिया गया है, एक पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों का वर्णन कीजिए, ये आपको क्या करना है, बनाना है। तीसरा वाला जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न में आया है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को विस्तार से समझाइए, इसको आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद में हम नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं तो इसमें जो तीसरा प्रश्न है उसमें और करके या फिर अथवा करके दिया गया है, इसमें लिखना है आपको वायु प्रदूषण के कारकों तथा रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए, इसमें आपको क्या करना है, वर्णन करना है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। चौथे नंबर के प्रश्न में आ जाता है मानव अधिकारों के संरक्षण का विस्तृत वर्णन कीजिए, इसमें क्या करना है, मानव अधिकारों के संरक्षण का विस्तृत वर्णन करना है। मानव अधिकार को कौन संरक्षण कर रहा है, इसका जो विस्तृत मतलब वर्णन जो है इसको क्या करना है, विस्तार से समझाना है। चौथा का जो अथवा है उसका, उसमें आ जाता है मानव अधिकारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब देखो भाई मानव अधिकार कौन कौन सा है तो मैं नहीं जानता, आप जानते होंगे, तो यार मेरे को भाई बता देना, कमेंट में लिख देना मानव अधिकार कौन कौन सा है, अधिकार को बारे में क्या करना है बता देना है। उसके बाद में जो पांचवा प्रश्न आता है वो लिखा है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। देखो यार ये मिलता जुलता प्रश्न जो है पूछ रहा है बार बार, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। देखो यार हम भारतीय हैं तो हमको तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए ना कि हमारा जो मूल अधिकार है वो क्या होना चाहिए, उसका क्या करना है, वर्णन करना है। अथवा में पूछ रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर निबंध लिखिए, इसमें क्या करना है, निबंध लिखना है। सो गाइस यहाँ पे जो चार पेज का था हमारा जो पर्यावरण का, यहाँ पे हमारा जो पर्यावरण का बीए पार्ट 1, 2, 3, इसका मैंने आपको अच्छे से विस्तार पूर्वक जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब चीज़ में 2022 का जो है वो बता दिया हूँ। इसको क्या करना है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है, देन एग्ज़ाम के पहले आपको इसकी अच्छी सी तैयारी कर लेना है। उम्मीद है मुझे अपने वीडियो तो पूरा देखा ही होगा, अगर वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि एक बटन ही दबाना है। तो यार पढ़ाई लिखाई के मामले में नौचुतियाबागिरी में तो पहले ही बोल चुका हूँ, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे बीए का भी आया, पर्यावरण का आया, एंड नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के किस सब्जेक्ट के बारे में लेके आऊँ मेरे को कमेंट करके बताना, ताकि मैं उस वीडियो को लेके आ सकूँ। तो चलिए गाइस मिलते कुछ ऐसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।